वहीं पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ हुई जघन्य हत्या के विरोध में बुरहानपुर के निजी सरकारी डॉक्टर्स ने विरोध प्रदर्शन कर मौन रैली निकाली। साथ ही तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही उन्होंने सुरक्षा कानून बनाए जाने की मांग की। इस दौरान मुख्य रूप से IMA के सचिव डॉक्टर दीपक थावानी, सुबोध भोवले, डॉक्टर सैयद आबेद और कई महिला डॉक्टर विद्यार्थी भी मौजूद रहे। आज रैली निकाली और क्या ज्ञापन दिया, क्या मांग करी? इसमें आज जो बुरहानपुर के सभी संगठन इकट्ठा हुए हैं, जिसमें कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, नीमा एसोसिएशन, यूनियन एसोसिएशन, आयुर्वेदिक होम्योपैथी और डेंटल एसोसिएशन, सभी डॉक्टर्स लोग, उम्फा यूनियन यूनानी एसोसिएशन, सभी लोग यहां पे इकट्ठा हुए हैं एक साथ। इसमें जो कलकत्ता में ब्रूटल मर्डर हुआ है हमारे लेडी डॉक्टर का, तो उसके विरोध में ये प्रदर्शन हम एक ज्ञापन देने आए हैं SDM साहब को। उसमें हमारी मांगें ये हैं कि जितने भी ये चीज़ें हो रही हैं, डॉक्टर्स के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ हमारा प्रदर्शन है। हम लोग मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, हम लोग अभी मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं और आज कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो भी जगन में अक्रूर अपराध हुआ है हमारी महिला डॉक्टर के खिलाफ, उसके लिए हम हमारा विरोध प्रदर्शन करने आए हैं। आज ये जो रैली है, प्रोटेस्ट रैली, उसका यही उद्देश्य है कि जो भी अपराधी इसमें इन्वॉल्व है उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले जल्द से जल्द, और कुछ रूल्स बनाए जाएँ डॉक्टर्स की सेफ्टी के लिए, और बस यही एम है स्पेशली महिलाओं के लिए। ये बताइए क्या आपकी डिमांड है और क्यों यहाँ पर? एक्चुअली आज हम लोग IMA बुरहानपुर और सारे जो भी डॉक्टर्स के संगठन है वो हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि हमको सुरक्षा दी जाए। जैसे लेडीज़ डॉक्टर रात में भी अपने हॉस्पिटल्स में भी काम करते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, तो इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन की है। तो हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि सुरक्षा ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए, ताकि लेडीज़ डॉक्टर काम करने में बेखौफ काम कर सके, एक अच्छा सा माहौल बने ताकि सब लोग फ्रीली काम कर सके। तो